हम गुजरात में इसलिए आए कि गुजरात की जनता ने हमको अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से नवाजा था। म्युनिसिपल इलेक्शन में, अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मुडासा में, तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने और हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं उनसे मुलाकात करने, पार्टी के संगठन का काम कैसे चल रहा है और आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आए। और एक मकसद ये था कि अतीक अहमद साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, तो अगर हम उनसे ही मुलाकात कर लें, तो ये पांच हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं गुजरात को आने के। नहीं, वो तो हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो हम जब पार्टी के संगठन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो हम लेटर लिखे थे जेल के सुपरिटेंडेंट साहब को, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और तो हम समझे चलो फिर सुबह जाकर उनसे मुलाकात करके उनसे पूछेंगे भाई क्या है, तो पुलिस ने कहा कि आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते, तो इसलिए हम बोले ठीक है। तो दरियागंज के रास्ते पर गए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम तो हो जाएगा कि हम अतीक साहब से मिलना चाह रहे थे और यहाँ पर हमको अलाउ नहीं किया गया बीजेपी सरकार की तरफ से जाकर मिलने के लिए। हमारी कोशिश यही होगी कि हमारा संगठन और मजबूत हो, और उस सिलसिले में साबिर भाई के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिटी प्रेसिडेंट भी हमारे काम कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में यकीनन अच्छी तरह से लड़ेंगे। बीजेपी का इंटरनल मैटर है, मगर एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि जब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, फिर उनको हटाने के बाद बीजेपी के ही लीक करती है कि वो कोविड में काम नहीं किए, तो ये एक सवाल उठता है। इसका मतलब ये है कि वो कोविड में बीजेपी ने काम नहीं किया था या किया था, तो ये सवाल का जवाब बीजेपी को देना है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मजलिस-ए-आईएमआईएम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।